आपने पार्लियामेंट में मेरा भाषण देखा होगा, राफेल हवाई जहाज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। यूपीए सरकार ने 126 राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था, तकरीबन 540 करोड़ प्रति हवाई जहाज कॉन्ट्रैक्ट तैयार था। सिर्फ मोदी जी को निर्णय लेना था। मोदी जी फ्रांस जाते हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को नहीं बताते, अपनी कैबिनेट में बाकी मंत्रियों को नहीं बताते और जादू से हवाई जहाज का दाम 540 करोड़ प्रति हवाई जहाज से बढ़ाकर तकरीबन 1600 करोड़ प्रति हवाई जहाज हो जाता है। यूपीए के कॉन्ट्रैक्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो बेंगलोर की पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, उसे हवाई जहाज बनाना था। कर्नाटक में बेंगलोर में हजारों युवाओं को रोजगार मिलता, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता, हाई टेक्नोलॉजी का हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनता। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीना और अपने एक मित्र को, जिसका नाम आप जानते हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब मजे की बात सुनिए, अंबानी जी ने अपनी पूरी जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, उन्होंने डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट, एयरफोर्स का कॉन्ट्रैक्ट पहले कभी नहीं लिया। अच्छा, वो छोड़ दीजिए, 45,000 करोड़ रुपए के कर्ज में थे और जिस कंपनी को नरेंद्र मोदी जी ने राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट से एक सप्ताह पहले बनाई गई। ये सब मैंने पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला। मैंने मोदी जी को यह भी बोला कि हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि फ्रांस के साथ एक सीक्रेट पैक्ट में लिखा है कि हवाई जहाज का दाम हिंदुस्तान की जनता को नहीं बताया जा सकता है। डिफेंस मिनिस्टर ने यह बात बोली, फ्रांस के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए, मैं उनसे मिला और मैंने उनसे यह बात पूछी। मैंने उनसे, फ्रांस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से पूछा, मैक्रोन जी आप मुझे बताइए, क्या सीक्रेट पैक्ट में यह लिखा है कि राफेल हवाई जहाज का दाम हिंदुस्तान की जनता को बताया नहीं जा सकता है? उनका जवाब मिलता है कि सीक्रेट पैक्ट में राफेल हवाई जहाज का दाम शामिल नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार राफेल का दाम पूरे देश को बता सकती है, फ्रांस की सरकार को कोई इतराज नहीं है। अब नहीं, आपको बात समझनी है और आपको पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को, ये युवाओं को समझाना है
सीक्रेट पैक्ट में दान का कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार अगर राफेल का दाम बताना है तो बता सकती है। मैंने पार्लियामेंट में रक्षा मंत्री से बोला कि आपने हिंदुस्तान को झूठ क्यों बोला, जवाब नहीं मिला। जब मैंने नरेंद्र मोदी को यह कहा जो मैंने आपसे कहा, नरेंद्र मोदी जी अपनी आंख मेरी आंख में नहीं मिला पाए। आपने स्वयं टीवी में देखा, कभी उधर देख रहे थे, कभी इधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे। क्यों? क्योंकि चौकीदार भागीदार बन गया है, चौकीदार ने भ्रष्टाचार किया है। मैं आपको बता रहा हूं, स्टेट से आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डिफेंस का सबसे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और पूरा देश इस बात को समझ गया। देखिए, हमारे प्रेस के मित्र हैं, मोदी जी की सरकार में कभी कभी बहादुरी दिखा देते हैं। वो आंकड़ा बढ़ा लो। एबीपी के जर्नलिस्ट ने थोड़ी सी सच्चाई बोल दी, थोड़ी सी सच्चाई बोल दी आदिवासियों के बारे में, किसानों के बारे में थोड़ा सा सच बोल दिया। कहा कि एक छत्तीसगढ़ की गरीब किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई, टेलीविजन पे प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला। सामने प्रधानमंत्री जी कहते हैं, बताओ क्या आपकी आमदनी दुगनी हुई? महिला कहती हां जी आमदनी दुगनी हुई। कुछ ही दिन बाद पता लगता है, स्वयं वो महिला कहती है, प्रधानमंत्री के सामने मुझसे झूठ बुलवाया गया। और होता क्या है, जिस पत्रकार ने सच्चाई सामने लाए, जो जिस पत्रकार सच्चाई सामने लाता है उसे नौकरी से हटा दिया जाता है। तो ये भी घबराते हैं, थोड़ा मैं समझता हूं, मगर इनमें से ऐसे भी लोग हैं जो सच्चाई को पहचानते हैं और सच्चाई के लिए अपनी जिंदगी भी दे सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, भ्रष्टाचार की बात उठती है, चौकीदार आंख में आंख नहीं मिला पाता है। 540 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ में खरीद के आए हैं। अपने मित्र को ये बोलिए, फिर से दोहराइए, आप ये फिर से बोलिए, ये फिर से बोलिए, ये सच्चाई है। और ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, छत्तीसगढ़ जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र को हिंदुस्तान के एयरफोर्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। चाहे नरेंद्र मोदी जी ने आप मिलाए ना मिलाए, हिंदुस्तान का युवा बात समझता है, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का छोटा दुकानदार बात समझता है। छोटे दुकानदारों से मैं बात करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की रीढ़ की हड्डी हो आप, अगर इनोवेशन कोई करता है तो छत्तीसगढ़ का छोटा दुकानदार, छोटा बिजनेसमैन, मिडिल साइज बिजनेसमैन करता है। आपने नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा दिया था, और आप जानते हो नोटबंदी से आपका कितना नुकसान हुआ, आपको कितनी चोट लगी, वो आप जानते हो। आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं, वहां भी आऊंगा। भैया आप एक बात बताओ,
यहाँ पे एक बात मुझे समझा आपने रमन सिंह जी ने बात की, पैनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम आया, नवाज शरीफ को पाकिस्तान में अंदर कर दिया, सही बात है। अब छत्तीसगढ़ में आपके चीफ मिनिस्टर के पुत्र का नाम आता है, पैनामा पेपर्स में छत्तीसगढ़ में आपके चीफ मिनिस्टर का पुत्र का नाम आता है और कार्रवाई शुरू भी नहीं होती। ये ही है बीजेपी एनडीए की चौकीदारी।